गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। जेस्ट चैनल में आपका स्वागत है और आज हम देख रहे हैं कोरोना की सबसे बड़ी खबरों का और एक विशेष कवरेज देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको ये क्या है खबरें जो देश और दुनिया से जुड़ी हुई है, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी है, बता देता हूँ। कोरोना की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जेएसटी चैनल के साथ में। चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं कि कोरोना के 1,44,000 नए मरीज, और देखिए ये 24 घंटे में मरीज आए, 773 लोगों की से मौत हो गई है और 10 करोड़ लोगों को अभी तक कोविड से का टीका लग चुका है। आगे बढ़ जाते हैं तो दिल्ली सरकार में बंद हुए अभी सभी स्कूल कॉलेज, और दिल्ली में देखिए ये स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया गया है और मेट्रो में सख्ती से करवाया जाएगा कोविड गाइडलाइंस का पालन, और जल्द ही लग सकती है नई और भी पाबंदियां। दिल्ली के ये हालात है देश की राजधानी के। आगे बढ़ जाते हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन ने क्लिनिकल ट्रायल की मांगी है मंजूरी। अमेरिकी कंपनी जॉनसन जॉनसन ने कोरोना के टीके की क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी है, और इससे ये सिंगल डोज वैक्सीन है जिसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर भी स्टोर करके रखा जा सकता है। ये देखिए अभी अमेरिका की ये वैक्सीन भी मार्केट में उतरने जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं अपन, यूपी में महिलाओं को कोरोना की जगह लगा दी रेबीज की वैक्सीन। देखिए बहुत बड़ा ये मतलब मामला है जिसमें बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना की जगह रेबीज की वैक्सीन लगा दी और महिला की हालत बिगड़ी, तो डीएम ने मामले को एक तूल पकड़ा और जांच के आदेश करने के लिए दिए। तो इसी तरह से लोग बाग क्या हिचक रहे हैं कि कोरोना के टीके नहीं लगवाए हम। आगे बढ़ जाते हैं तो राजस्थान सरकार ने कोविड वैक्सीन के स्टॉक को लेकर जताई है चिंता, और गहलोत ने कोविड वैक्सीन के स्टॉक को लेकर कहा कि राज्य में 2 दिन में खत्म हो जाएगा टीका। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन के निर्यात पर फौरन रोक लगाने की मांग कही है। आगे बढ़ जाते हैं अपन, तो भीड़ को कम करने के लिए खास ट्रेनें चलाएगा रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने जहां वेटिंग लिस्ट में 120% के आसपास होगी, वहीं भीड़ कम करने के लिए चलाई गई ट्रेनें खास ट्रेनें हैं ये, कहां बंद नहीं होगी ट्रेनों का परिचालन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चलती रहेगी आगे भी इसी तरह से ट्रेनें, लेकिन कुछ खास ट्रेनें शुरुआत कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो नॉर्वे की पीएम इंटरनेशनल खबर में देखते हैं कि पुलिस ने लगाया जुर्माना क्योंकि वो अपने घर पे बर्थडे पार्टी कर रही थी। तो नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग पर पुलिस ने लगाया जुर्माना। पार्टी में खूब तरह के लोग इकट्ठे हुए थे जबकि नियम के मुताबिक 10 लोग ही आ सकते हैं। पुलिस ने कहा कि सभी के लिए समान नियम है। और ये देखिए कोरोना की 10 बड़ी खबरें जो आपने जानी है इस वीडियो में। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप में और जानेंगे आप कोरोना की और खबरों से जुड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।